हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए कुछ वैकेंसीज आई है, उस वैकेंसीज के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, लगभग 26,000 पदों के लिए यहाँ पर जो भर्ती हो रही है, यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन सबमिशन है, जो फॉर्म अब आप 24 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट जो डेट रहने वाला आपका अप्लाई करने का वो 31 दिसंबर रहने वाला है। तो लगभग दोस्तों एक महीने से ज़्यादा आपके पास टाइम है। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी है, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करी है। फर्स्ट वेबसाइट है ssc.nic.in, यहाँ पर आपको जाके रजिस्टर करना होगा, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो वेबसाइट है वो www.crpf.gov.in, ये दो वेबसाइट रहने वाले जहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल जो आपको यहाँ पर रहने वाला है बेसिक, दैट इज़ 21,700 से लेके 69,100 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। बाद में इसके वैकेंसीज जो है यहाँ पर दोस्तों रीजन वाइज यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज देखे रखे, मेल एंड फीमेल के लिए टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो आप 26,146 जो है टोटल वैकेंसीज रहने वाले। और फोर्स वाइज यहाँ पर आप बायफिकेशन भी देख सकते हो, टोटल यहाँ पर 7 फोर्सेज में क्या है वैकेंसी आपकी है। एज लिमिट की हम लोग बात करें दोस्तों, तो 18 से 23 इयर्स के अगर बीच में आपका एज है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर SC/ST कैंडिडेट्स 28 इयर्स तक है तो यहाँ पर एलिजिबल है। OBC कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और 10th पास। अगर आपने 10वीं पास करके रखी है, 10वीं पास है, तो आप यहाँ पर क्या हो, एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। दूसरा, यहाँ पर उन्होंने कुछ भी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं करा है, तो 10th पास कैंडिडेट्स जो भी है स्टूडेंट्स है यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसेंटिव्स टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स, जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट है, NCC C सर्टिफिकेट को जिनके पास है, जो भी स्टूडेंट के पास, उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्जामिनेशन का मिल जाएगा। NCC B सर्टिफिकेट वालों को 3% मार्क्स मिलेंगे और NCC A सर्टिफिकेट जो भी स्टूडेंट के पास हो उनको 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन जो यहाँ पर दिया जाएगा, विच इज़ एडवांटेज टू द NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स। दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और डिटेल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वीडियो में देख सकते हो। एप्लीकेशन फी अगर हम लोग बात करें तो आपको 100 रुपीज़ पे करना है। वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST ESM, इनको कुछ भी यहाँ पर जो है पे नहीं करना है। फिर सिर्फ OBC एंड अनरिजर्व कैंडिडेट्स को यहाँ पर 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पर उन्होंने मेंशन की है। आप अपने रीजन वाइज जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हो, सेंट्रल रीजन के लिए ये रहने वाले हैं और यहाँ पर डिटेल में आप वीडियो नोटिफिकेशन में देख सकते हो। वैसे ही जो सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन में देख सकते हो कौन सा एरिया कवर है, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन करे हुए हैं। नोटिफिकेशन में आप दोस्तों आराम से देख सकते हो। आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है सबसे पहले, जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 मार्क्स एक करेक्ट क्वेश्चन को मिलेगा, जिसमें आपके 4 पार्ट होंगे। सबसे पहला रीजनिंग का पार्ट होगा, 20 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस अगेन 20 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स में आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। ऐसे दोस्तों आपको कंबाइन जो टाइम मिलेगा इसके लिए 60 मिनट्स मिलेंगे और ऐसे टोटल 80 क्वेश्चन से फॉर 160 मार्क्स। इस एग्जाम में दोस्तों आपको नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, यानी कि अगर आपने गलत आंसर दिया तो 0.25 मार्क्स जो है आपके कट होने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होने वाला है, उनका कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए मेल का जो क्राइटेरिया रहने वाला है रीजन अदर देन लद्दाख को छोड़ के, तो 5 किलोमीटर्स आपको 24 मिनट्स में कवर करना होगा। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और जो कैंडिडेट्स लद्दाख रीजन से आते हैं उनको 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स, और फीमेल कैंडिडेट्स के दोस्तों 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स, ऐसा उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो हाइट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर भी है तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर वहाँ पर आपकी हाइट कम होती है तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है।
तो मेक श्योर कि आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर के ऊपर ही हो। सेम गोज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन आप देख सकते हो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उन्होंने मेंशन किया हुआ है। चेस्ट का भी आप देख सकते हो अनएक्सपेक्टेड 80 सेंटीमीटर्स, मिनिमम एक्सपांशन आपका 5 सेंटीमीटर का जो है होना चाहिए। ऑल्सो दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर करोगे तो आपको इनमें से जो गवर्नमेंट जो अप्रूव आईडी कार्ड होता है वो कैरी करना होता है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा है आप वोटर्स आईडी कैरी कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट है इसका जेरोक्स नहीं कैरी कीजिएगा, इसका ओरिजिनल जो होता है वो आपको आईडी प्रूफ का कैरी करना होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं डिस्कस करें। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।